गुड मॉर्निंग एट क्लास, आइए आज हम आपको कविता करवाते हैं जिसका शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है आवाज। यह कविता बच्चों कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनका जीवन जो है वो आप जैसे बच्चों में जोश भरने के लिए है। उन्होंने अपनी हर कविता के अंदर पुरानी बातों को ख़त्म करने और नया जोश भरने की बातें की हैं। तो आइए देखिए इस कविता में वो किस तरह से आपकी उम्र के बच्चों में वो चाहते हैं कि कभी आलस ना करें, तो इसीलिए उन्होंने एक वसंत के रूप में क्या कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो अभी न होगा मेरा अंत का मतलब है अभी अभी तो तुम लोग युवा हुए हो, जवान हुए हो आप लोग, तो अभी जो है अब तुम्हारा अंत तो अभी जल्दी इतना नहीं आ सकता। मेरा यहाँ मतलब हर युवा बच्चे से है, हर जवान बच्चे से है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, कि मेरा जीवन रूपी जो ये वन है इसमें अभी अभी तो मृदुल मतलब कोमल, वसंत यानी वसंत ऋतु, वसंत ऋतु का मतलब आप समझते हैं जिसमें चारों तरफ नए नए फूल खिल जाते हैं तो हरियाली छा जाती है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, तो वो वसंत ऋतु जो आप जैसी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि नया जोश होता है, सभी कुछ कर दिखाने की लालसा होती है, तो इसलिए अभी तुम्हारा अंत नहीं हो सकता है, तो अभी क्योंकि जीवन में वसंत तो अब आया है। हरे हरे हैं ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो हरे हरे हैं पात, तो जैसे वसंत ऋतु आने पर वातावरण कैसा हो जाता है, हरे हरे पात मतलब पत्ते, पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, जितनी भी पेड़ों की डालियाँ हैं कलियाँ हैं कोमल गात है, गात का मतलब होता है शरीर, तो उन कलियों का जो कलियाँ क्या होती हैं जो बिल्कुल नए नए खिलने वाले फूल होते हैं उनको कलियाँ कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं बिल्कुल कोमल होते हैं कि हाथ लगाते ही वो झड़ते हैं। तो ऐसे ही आप लोग जो है आप लोग भी संवेदनशील होते हो, आप लोगों को भी बड़े प्यार से संभालना होता है, तो अगर आप लोगों के साथ कोई थोड़ा सा भी गलत बर्ताव करता है तो आप लोगों को भी ऐसे गलत लगता है, तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो कवि आगे कहता है कि मैं जो हूँ मैं तुम्हारे स्वप्न तुम्हारे आंखों के अंदर नए नए मीठे मीठे सपने भर देना चाहता हूँ, कुछ कर दिखाने के नए नए सपने तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो मैं जो ये निद्रित कलियाँ हैं, कुछ कलियाँ ऐसी होती हैं कि जो निद्रित मतलब सोई हुई सी लगती हैं, आलसी लगती हैं, कुछ नहीं कर रही होती हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, अब कई बच्चे तो बहुत ही चुस्त होते हैं और कई बच्चे सुस्त भी होते हैं, तो सुस्त बच्चों के लिए कवि ने ये शब्द प्रयोग किया है निद्रित कलियों, तो निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर, तो उनके लिए वो क्या कहता है, प्रत्यूष का मतलब होता है सवेरा, तो मनोहर मतलब मन को हरने वाला, कि मैं उनके लिए भी उनके जीवन में एक मन को हरने वाला सवेरा लेकर आऊँगा ताकि उनका आलस दूर हो जाए, वो भी नए नए सपने देख सके, वो भी बाकी बच्चों की तरह और कुछ कर दिखा सके। आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प मतलब फूल फूल से, हर फूल से तंद्रा आलस, मैं हर फूल का जो अंदर आलस है वो मैं उसका खींच लूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच लूंगा मैं। और जिस प्रकार से पेड़ पौधों में फूलों में बच्चों पानी डाला जाता है तो पानी उनके लिए अमृत का काम करता है, तो उसी प्रकार वो कहता है कि मैं अपनी कविताओं के अमृत से, नवजीवन का अमृत का मतलब कवि का कहने का अभिप्राय है कि वो अपनी कविताओं के अमृत से अपने शब्दों के अमृत से उनको ऐसे सींचेगा कि वो सहर्ष सहर्ष मतलब खुशी खुशी से वो बच्चे भी आगे अपने नए जीवन के नए सपने देख सकेंगे। तो आगे है, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत, फिर मैं उनको वो द्वार दिखा दूंगा कि जहाँ पर उनका कभी अंत हो ही नहीं सकता, किसका अंत नहीं हो सकता, उनके सपनों का अंत नहीं हो सकता, अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा मतलब यहाँ हर बच्चा, उनका अभी किसी का भी अंत नहीं हो सकता है क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने अपना कुछ कर दिखाने वाले जीवन में कदम रखा है। तो कवि निराला ने बहुत अच्छे तरीके से आप जैसे बच्चों के लिए जोश भरने के लिए कविता लिखी है।